कद्दू में क्या क्या फायदे होते हैं और इसे प्रेगनेंसी में क्यों खाने चाहिए, अमीर और गरीब दोनों के लिए क्यों फायदेमंद है, जानने के लिए आखिरी तक बने रहें। प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए कद्दू का सेवन जरूर करें। कद्दू में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होते हैं जो पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करती है। वहीं गर्भ में पल रहे शिशु की आँखों के स्वस्थ बनाने में भी कद्दू मदद करती है। कद्दू में बीटा कैरोटीन नामक पोषण तत्व पाया जाता है जो आँखों को हेल्दी रखने में मदद करती है। कद्दू हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। कद्दू में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हार्ट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद करती है। गर्भ में पलने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत हो सके, इसके लिए महिलाओं को दूध और कैल्शियम युक्त आहार को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में हर कोई महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान कद्दू की सब्जी या कद्दू का जूस का इस्तेमाल करती हैं तो कद्दू में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन में बदलाव होने की वजह से महिलाओं की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। कद्दू में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि महंगे से महंगे चीज़ों में ही प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ये सारी चीज़ें पाई जाती है। सस्ती चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बस समझने की देर है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी, जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशनल मिलेगी कि हाँ, हम समाज के लिए कुछ कर पाए हैं, उनकी मदद कर पाए हैं, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, आप बस एक कमेंट कीजिए, उसमें अपनी समस्या लिखिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगी और जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, उसे बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप घर बैठे सारी जानकारी पा सकें। धन्यवाद।